बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सुबह बखैर। जी हाँ, माशाल्लाह सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है जुम्मा मुबारक और मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। जी हाँ, अल्लाह ताला इस जुम्मे की जो नेक क्या कहने साथ हैं और नेक जो नमाज है सबके नसीब में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग का जो स्टार्ट है सुबह से कर लूँ। तो इस वक्त जो है मैं बच्चों को नाश्ते की तैयारी करवा रही थी, मतलब नाश्ते के लिए उनके नाश्ता लेके आ गई थी और बच्चे बस तैयार हो रहे थे, तो ये लोग करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पर रखा है नाश्ता, मैं ये पराठा बच्चों के लिए क्या गैस इस वक्त सुबह है बहुत कम थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने पराठा सेक लिया है। तो उसके अलावा अंडा है, बच्चों के लिए दूध है और मेरी है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी मेरी सुबह के लिए होती है। तो चलिए बच्चों का नाश्ता करवाते हैं। ये हानिया है और ये महक है, ठीक है। अच्छा जी, बच्चे यहाँ पर जो है सुबह के टाइम स्कूल जा चुके हैं माशाल्लाह से, तो मैंने इनको रुख्सत किया और वापसी आ गई अपने कमरे में। तो जी हम लोग वापसी आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो अब मुझे करनी है सफाई, क्योंकि सुबह का टाइम है, जल्दी से हो जाएगी तो जल्दी से काम निमट जाता है। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन का पता नहीं चलता। तो मैं समेट लेती हूँ अपने सामान को और तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैंने जी कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए थे, कि लाजमी होते बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनको भी कपड़े चाहिए होंगे और नमाज की भी तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ के हाथ कपड़े भी इस्त्री कर दिए जाए, क्योंकि ये भी एक मुश्किल मरहला होता है और बस इस्त्री जल्द से जल्द हो जाए। तो यही सोच कर मैंने कभी फ़ारिग तो हूँ तो क्यों ना इस्त्री से ही फ़ारिग हो जाऊँ। तो बस मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए थे और अपने भी कपड़े निकालने के बाद जो थे मैंने उनको इस्त्री करना शुरू कर दिया था। तो बस जुम्मे के दिन किसी तरह की मसरूफियत होती है और जो है काम चलता रहता है, लेकिन ये कि बहरहाल जुम्मे के दिन की अपनी एक अलग से रौनक होती है, एक अलग सा जो कहना चाहिए कि बस अलग माहौल होता है बंदे का और अच्छा लगता है इस तरीके से। इनके पापा के कपड़े इस्त्री करने थे तो मैंने उनके भी हाथ की हाथी कर दी। वैसे तो इनके एक दो जोड़ी मैं एक्स्ट्रा ही करके रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता किस वक्त कपड़े चाहिए, कहीं आना जाना पड़ जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि दो तीन के जोड़े हैं इनके इस्त्री करके हाथ के हाथ रख दूँ। जो पहले भी मैं यही करती थी कि सब कपड़े जो है एक साथ में इस्त्री कर दिया करती थी, लेकिन ये कि अब पास इतनी हिम्मत नहीं होती है तो ये होता है बस एक दो सूट इस्त्री करें और रख दिए। बाकी बच्चे ये हैं कि बच्चे अपने अपने इस्त्री करते रहते हैं और ख़ुद ही अपना इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर इतना ज़्यादा बटन नहीं डालते कि तुम लोग ज़्यादा इस्त्री करके रखो या जो भी परेशानी वाली बात है। तो बहरहाल ये कि जो काम उसे हो सकता है मैं खुद ही करती हूँ और कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को पढ़ाई के उसमें डिस्टर्ब ना करूं। माशाल्लाह से जुम्मे के दिन फातिमा जो नहा के आ चुकी है और कितना पाला पाला ड्रेस पहना है, दिखाओ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम को, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। कौन है? मैं कौन हूँ? नन्ना। जब माशाल्लाह फातिमा बहुत प्यारी लग रही है और ये तैयार हो जाती है तो बस फिर तो अपने आप को शहजादी समझती और है भी प्यारी सी शहजादी माशाल्लाह से। ये देखें सेल्फी बना रही फातिमा। फातिमा सेल्फी बनाओ। कैसे सेल्फी बनाओ? सेल्फी, वाओ माशाल्लाह सो क्यूट, मतलब सेल्फी देखो कितनी प्यारी सेल्फी बनाई है फातिमा ने। दोबारा सेल्फी, दोबारा सेल्फी। क्या कह दिया फातिमा? गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। क्या कहा मानिया ने? ये फातिमा को बहुत गुस्सा आ रहा है फातिमा, क्योंकि इनका होना है पेम्पर चेंज हो रही है, जो है गुस्से में सुबह खड़ी हुई है और मानिया ने जैसे मना कर दिया तो उसे गुस्सा आ रहा है मानिया पे। जी बेटा निन्ना आ रही है फातिमा, गुस्सा आया निन्ना आ रही है। जी वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं वापसी, यानी मकसद ये कि नमाज से फारिग हो चुके हैं और बच्चे भी अपने का जो है ना खाने पीने से नमाज सब चीज़ से फारिग हो चुके हैं। और इस वक्त जो है ये लोग पढ़ रहे हैं, तो इधर ये देखिए इधर हानिया बैठी हुई है। हानिया इधर, महक महक। अच्छा, ये शाम में इन लोगों ने देना है टेस्ट बिस्मा को, तो इसलिए ये लोग तैयारी में लगी हुई हैं। तो मैं आप लोगों से साथ करूँगी एक रेसिपी शेयर। रेसिपी क्या वो यानी कह रहे, इससे पहले मैंने मलाई के साथ आपको जो मक्खन निकालने का तरीका बताया था, लेकिन आज जो है मैं मलाई के साथ जो है आप लोगों को बताऊंगी मज़ेदार हलवे की रेसिपी। जी हाँ, मलाई मलाई होगी और हमने उससे घी भी निकाल लेना है और जो उसके जो बचेगा उसके अंदर जो एक गूदा टाइप का बचता है उससे बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का जो है हलवा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जो मलाई को था रात को मैंने फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया था,
तो इस वक्त क्योंकि काम से हो चुके हैं फारिग, तो हम लोग चलते हैं अपने किचन की तरफ ताकि जो है अपना जो बलाई है उसको जो है उससे घी भी निकाल लें और उससे हलवा भी निकाल लें। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, बलाई को मैंने रात को ऊपर फ्रीजर से निकाल के रख दिया था, तो ये थी कि उसकी जो बर्फ़ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो पिघल गई थी बलाई को। तो बलाई को मैंने जो है एक कढ़ाई के अंदर लिया और उसको विस्क की मदद से अच्छी तरीके से फेंटा, क्योंकि जब तक फेंटेगी नहीं तो पकेगी नहीं सही तरह से। इसके बाद मैंने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर, जी हाँ, तेज़ आँच से। लेकिन ये है कि आपने जो है इसमें चम्मच मुस्तकिल चलाना है, क्योंकि अभी बलाई जो है ठंडी भी है और सही तरह से उबाल भी नहीं आएगा। तो अगर मैं इस तरह इसको छोड़ दिया तो ये नीचे से जल जाएगी और हमारी जो बलाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब तक सही तरह से उबाल ना आए आपने इसको छोड़ना नहीं है और इसको चलाते रहना है और थोड़ी सी आँच तेज़ी रखनी है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से इसमें तकरीबन उबाल आने का उबाल आ ही रहा है। तो बस जब भी मैं इसके अंदर जो है विस्क को चला रही हूँ ताकि अच्छी तरह फटती रहे ये, और जो है क्या कहते हैं हमारी बलाई जो है क्या कहते हैं सही तरह से उबाल आ जाए इसके अंदर और बाहर ना निकले। इसलिए मैंने इसके लिए बड़ा बर्तन लिया है, क्योंकि छोटा अगर बर्तन लेते तो बलाई उसके अंदर उबल जाती। ये देखिए जो हमारी बलाई है इसको मैंने धीमी आंच से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये था कि बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच चला रही थी। और देखें माशाल्लाह से बलाई जो है जो इसका दूध है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो जी इसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो था मैंने आटे का शामिल किया। जी हाँ, गंदम का आटा जो नॉर्मल घर के अंदर इस्तेमाल होता है मैंने वो आटा इसके अंदर शामिल किया है। छोटा डिश का चम्मच जो होता है वो वाला डिश का चम्मच लिया है मैंने और इसको मुस्तकिल चलाया है। इसके लम्स नहीं पड़ने देने, इसके आटे की गुठलियाँ नहीं बनने देनी आपने, और इसको डालने के बाद बहुत अच्छी तरह चलाना है। तो इसकी इस तरह से ये थिकनेस आ जाएगी आटे के बाद। लेकिन ये कि आपने घबराना नहीं है, जी हाँ बिल्कुल भी नहीं, आप पेशेंट रखना थोड़ा सा अपने आप में और इसको इस तरीके से चलाना है मुस्तकिल। तो जब जितना ये पकेगा, जितना ये आटा इसके अंदर भुनेगा, तो घी जो होगा इसका ऊपर आता जाएगा और जो है हम आसानी के साथ चम्मच की मदद से इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से घी जो है इसी तरीके से ऊपर आता जाएगा और आप इस तरह गहरे चम्मच से इसको अलग डिश के अंदर निकालते जाएँ। मैंने स्टील की डिश ले ली है क्योंकि घी काफ़ी गर्म है, तो मैं इसको अलहदा करती जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ जो है घी ऊपर आ रहा है और हम लोग आसानी के साथ जो है इस घी को ऊपर करते जा रहे हैं। बस यही तरीका रखना है आपने थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, और इस वक्त आँच जो है इसकी बिल्कुल दम से थोड़ी सी ऊपर रखनी है और इसको भुनने देना है। इसी तरह से घी देखिएगा आप ऊपर आता जाएगा और आप हल्के हाथ से जो है घी को निकालते जाइए। और बहुत आसानी के साथ बहुत इजीली बन के तैयार हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि नीचे से जो है बलाई लगे नहीं। तो और कढ़ाई को थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया है ताकि घी जो है साइड में आ जाए और इसी तरीके से बस घी निकलता जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना सारा घी निकल चुका है। और ये देखिए इस जो इसका आटे की बनाई है, आटे और बलाई की जो मिक्स होने के बाद शक्ल आ रही है वही देखिए इस तरह से है, और अभी भी घी देखिए निकलता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके घी को अलहदा करते रहना है। अब इसका तकरीबन घी निकल चुका है और ये तकरीबन ब्राउन होता जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर है, इसका देखिए ब्राउन होता जा रहा है इस तरीके से। अब इसमें आके हम लोग जो शामिल करेंगे चीनी को। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी को, और चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दी है इसके अंदर चीनी को, और इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने मिक्स करना है ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से हल हो जाए। थोड़ा सा शामिल कर दूँगी इसके अंदर मैं केवड़ा, जी हाँ देखिए केवड़ा लिया है ठीक है, और बस 1/2 चम्मच के करीब इसमें मैंने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि चीनी इसके अंदर हल ना हो जाए। और हमारा हलवा भी रेडी है, घी भी निकल चुका है। जब दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यह हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए कितना ब्राउन कलर आया है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इसको टुकड़ियों की शक्ल में भी जमा सकते हैं, थोड़ा सा पतली लेयर करके इसको टुकड़ियों की शक्ल में जमा दें। और हलवा के ऊपर अगर ड्राई फ्रूट ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो मैंने ड्राई फ्रूट भी काट लिए थे, बादाम थे इसके अंदर, खोपरा था जो मेरे पास था, मैंने वो चीज़ काट ली थी ड्राई फ्रूट में और इसको ऊपर उसको गार्निश कर दिया था, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी, और ज़रूर बनाइएगा ज़रूर। माशाल्लाह से जी हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं, और ये देखिए ये हलवा तैयार है बनके, और
इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आया, बिल्कुल जैसे सूजी का बनता है, लेकिन ये कि आटे का है लेकिन इसके अंदर मलाई की मेदार ज़्यादा है, दूध के ज़्यादा है, तो इसका टेस्ट भी आप यकीन करें उस आम हलवे से बहुत ज़्यादा होगा। और आप जब इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से घी, इसको मैंने अभी स्टील के डिश में इसलिए निकाला था कि गर्म है ये, तो जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो मैंने एक बाल्टी बनाई हुई घी की उसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि उसमें हमें मेरा यूज़ रहता है ज़्यादातर, तो ये भी ठंडा होगा। इसके बाद जो है मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस वक्त मैं टेस्ट करने जा रही हूँ अपने ही हाथ का बनाया हुआ हलवा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। और ये देखिए बहुत ही मज़े का है, बहुत टेस्टी है, यकीन करें सूजी के हलवे से ज़्यादा इसमें जायका है, क्योंकि असली घी के अंदर बना हुआ है। तो बस ये है कि ब्लड प्रेशर वाले इसको ज़्यादा ना खाएं, या जिनको अल्लाह ना करे मैदे का मसला वगैरह हो, मैदे का मसला मुझे भी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इस तरह की रेसिपी बनाया करें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जो कि कहना चाहिए हेल्पफुल भी होती है और घर की चीज़ों से आसानी से बन जाती है। भलाई बहुत से घरों में जमा होती होगी, तो इस तरीके से आप उसमें से घी भी निकालें और हलवा भी बनाएं, यकीन करें बहुत टेस्टी है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा खुलूस जो होता है हमारे लिए आगे की राह जो है हमवार करता है, और एक दिल में उमंग होती है कि बंदा अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाए, अच्छी से चीज़ें आप लोग लाते रहें, तो ये आपका खुलूस जो होगा हमारे साथ साथ चलेगा। तो जी अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।